नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। धार के मनावर में नर्मदा तट से जल भरकर निकाली कांवर यात्रा। खबर मध्य प्रदेश के धार के मनावर विधानसभा के सिमालदा नर्मदा तट से जल भरकर पैदल चलते हुए कांवर यात्रा निकाली गई। करौली में कांवर यात्रा का भव्य स्वागत किया गया और करौली जयस टीम के द्वारा चाय की व्यवस्था की गई। करौली में भगवान टट्या भील को नमन कर यात्रा को आगे बढ़ाया गया। उसके बाद जगह जगह पर स्वागत किया गया। पंचखेड़ा में स्वागत किया गया और मनावर में मनावर के लोगों ने कांवर यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। मनावर होते हुए हनुमत्या में फुलहारी की व्यवस्था की गई। उसके बाद हनुमान मंदिर डोंचा में भोलेनाथ को जल चढ़ाया गया। उप कांवर यात्रा कई वर्षों से निकाली जा रही है। जयस कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष लाल सिंह बर्मन के नेतृत्व में कांवर यात्रा का 13वां वर्ष है। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी सैकड़ों ग्रामीण जन इस कांवर यात्रा में शामिल हुए और भोलेनाथ के भजनों में मगन होते हुए नाचते हुए डोंचा तक पहुंचे। इस कांवर यात्रा का मुख्य उद्देश्य समाज में और हमारी संस्कृति को बचाए रखने के लिए ये कांवर यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर कैलाश राणा, राहुल चौहान, भवानी मंडलोई, कालू बर्मन, खड़क बर्मन, रामेश्वर बर्मन, बाबू बर्मन, संजू बर्मन आदि मौजूद रहे। धार मनावर से चैन सिंह ठाकुर की रिपोर्ट।